नमस्ते, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हाँ, और हमारे यूट्यूब चैनल रेखा प्रहलाद पहाड़ी ब्लॉग्स में स्वागत है। तो दोस्तों, शाम के 3:15 बज रहे हैं और वीडियो की शुरुआत शाम के टाइम से हो रही है। और जैसा कि आप, कल को करवा चौथ है, तो करवा चौथ की तैयारी बड़े धूमधाम से चल रही है, शॉपिंग कर रहे हैं। वैसे मैंने पहले ही थोड़ा बहुत ले लिया था, मैं ज़्यादा चीज़ें लगाती नहीं हूँ, ज्वेलरी ज्वेलरी मुझे सिर्फ इयर रिंग्स का शौक रहता है। और वो मैं पहले ले आई थी और कड़ी भी ले आई थी। तो और कुछ नहीं है, घर में रात को लगाऊंगी मेहंदी, सिंपल सी जो बिंदी बिंदी बनाते हैं। और ना मेहंदी लगाती, मुझे शौक ही नहीं है मेहंदी लगाने का ज़्यादा। और कल जो है करवा चौथ की तैयारी मेरे घर में होगी, जो कथा पढ़ी जाएगी पूरी, जो हमारी कॉलोनी की लेडीज़ है यहाँ पे आएंगे। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी गमलों को सही ढंग से असेंबल करूं, थोड़ा ऐसे ही लग रहा है लोग आएंगे कल सोचेंगे ये कैसे रखे हुए गमले। तो आज मैं इन गमलों को थोड़ा अच्छे तरह से रख लेती हूं, जो कि मेरे, ये देख सकते हैं आप, बाउंड्री वॉल में भी है। तो इनको भी मैं थोड़ा, जो जो मुझे रखना होगा बरामदे में, यहाँ सामने ये बरामदे में रखना होगा तो यहाँ रखूँगी, क्योंकि पूरी रैक खाली पड़े हुए हैं। तो इनको अच्छी तरह से आज गमलों का ऑर्गेनाइजेशन करती हूँ कि अपने जो फ्रंट बरामदा है इसको हम किस कैसे अरेंज कर सकते प्लांटों से। तो कल मैंने स्टैंड फिर बनवाया था सिंपल से, ये वाले स्टैंड है, दो बनवाए थे। तो ये भी मैं यहाँ बरामदे में देती हूँ, क्योंकि बरामदे में जो ये गमले रखे हुए हैं, ये वाले स्टैंड के नीचे ढंग से साफ़ करने के लिए नहीं हो रहा है, तो फ्रंट में अच्छा नहीं लगता है, गंदा पड़ा हुआ, ये पत्ते झड़ जाते हैं, मिट्टी निकल जाती है गमलों की, तो वो नीचे ही रह जाता है। तो इसको, इसकी वजह से मैंने वो वाले बनाए, थोड़ा साफ़ सफ़ाई करने में भी अच्छा रह जाएगा। जो उधर के हैं इस साइड के, ये तो अच्छी तरह से साफ़ सफ़ाई हो जाते हैं, उन नीचे झाड़ू मारने के लिए, पोछा मारने के लिए सही है। तो चलिए, आज मेरा काम यही है। तो आप ही वीडियो में बने रहे और वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा। और वैसे तो मेरे पे ट्राईपॉड मेरी देवरानी की बेटी का है, छोटा सा है, पर ये स्टैंड नहीं होता है, ये सिर्फ हाथ में रखने वाला है। तो देखती हूँ अगर मेरे से रखा जाए मोबाइल और मैं आपको वीडियो दिखाएं कैसे कैसे करें मैंने रखा, नहीं तो फिर फाइनल लुक ही दिखाऊंगी आप लोगों को। अगर हो सके तो मैं दिखा लूँगी बीच बीच में, क्योंकि मोबाइल बीच बीच में गिरता रहता है, बार बार फिर काम भी नहीं होता है, बार बार मोबाइल को देखते रहो। और नहीं तो उसके बाद में फाइनल लुक जो भी होगा आपके सामने आपको वीडियो दिखाऊँगी। आजकल जैसे कि त्योहारों का टाइम है, तो कहीं ना कहीं काम लगा हुआ है, कुछ ना कुछ आवाज़ें आ रही है, तो आप अवॉइड करना इन आवाज़ों को। नमस्ते दोस्तों, सेम वीडियो दूसरे दिन। तो दोस्तों, कल मैंने जैसे कि बताया कि मैं अपने प्लांटों को या गमलों को अच्छी तरह से लगा रही हूँ, जो कि मैंने यहाँ रखे हुए थे, तो यहाँ से मैंने खाली कर दिया पूरा, जो वॉल में रखे हुए थे, बाउंड्री वॉल में रखे हुए थे, तो यहाँ लगा दिया है। और रात हो गई थी कल, तो मैं कल पूरा वीडियो नहीं बना पाई हूँ, तो आज अभी शाम के टाइम पर कर रही हूँ, क्योंकि आज करवा चौथ भी है। तो आज मैं वीडियो की एंडिंग भी करने, वीडियो की एंडिंग नहीं की है, तो आपको दिखाते हैं कि छोटे से स्पेस में हम प्लांटों को कैसे रख सकते हैं। जैसे हमारे फ्रंट
ये फ्रंट साइड है, छोटा सा स्पेस है, बरामदा है, तो उसको हम कैसे डेकोरेट या प्लांटों को अरेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस बार इस तरह से रखा हुआ, ये वाला गमलों का रैक जो था वो यहाँ पे था और ये वाला इधर था, तो ये मैंने यहाँ रख दिया है और इसको यहाँ पे रख दिया है, तो इसके नीचे झाड़ू मारने के लिए सही हो जाएगा क्योंकि बरामदे में झाड़ू ढंग से नहीं लगता है। और ये दो तो बनाए हुए थे मैंने, एक ये है और एक इसके पीछे से रखा हुआ है, तो ये दो मैंने यहाँ पर लगा दिया है जो परसों बनाया था। और कुछ प्लांट मेरे गार्डन में थे तो उनको भी मैं ऊपर ले आई हूँ। और ये कुछ प्लांट ये है एवरग्रीन प्लांट है सारे, फ्लावर प्लांट कोई भी नहीं है मेरे पास यहाँ पे इस टाइम पे। और ये है ये जो इसको क्या बोलते हैं, बारहमासी पौधा बोलते हैं, ये तो ऐसे भी हो जाता फ्लावर इसमें, तो ये फ्लावर मेरे वहाँ गार्डन में लगा हुआ था, गार्डन से निकाल के लाई हूँ मैं इसको, तो मैंने इस गमले में लगाया हुआ है। और इधर भी लगा दिया है सारे प्लांट, इधर तो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, पहले भी दिखा रखा आपको, पर फिर भी स्नेक प्लांट की मैंने वैरायटी जो एक साइड रख दिया है जो छोटे वाले हैं रैक में। और यहाँ पे मनी प्लांट है और ये देखिए आप कलरफुल प्लांट, और ये सारा मैंने पूरा कर दिया। अब दिवाली पे छुट्टी हो गई, सफाई नहीं करनी पड़ेगी, ये प्लांटों की बहुत हेडेक रहती है कि गमलों को ढंग से रखना है, झाड़ना है, पत्तों की सफाई करनी, थोड़ा बहुत दिवाली के टाइम पे पत्तों की सफाई कर लेंगे, स्प्रे कर देंगे पानी की, क्योंकि डस्ट बहुत जल्दी जम जाता है, रोड साइड में ही है घर के पास में, तो पूरा धूल मिट्टी आती है। और इधर मैंने कुछ प्लांट लगाए हुए हैं, कल के लगाए हुए हैं, ये कुबेर प्लांट लगाए हुए हैं क्योंकि ख़राब हो चुके थे, तो इनको मैंने अलग अलग गमलों में लगा दिया है। और ये मनी प्लांट है, इसको भी लगाया हुआ है। और एक छोटा सा जो स्टैंड है यहाँ रख दिया है, ये पर्पल हार्ट प्लांट है, ये भी मेरे पे दो तीन है तो ये भी यहाँ पे रखा हुआ है। और ये लिली है, इसको गार्डन में था एक बड़ा सा ग्रो बेड में, तो इसको भी मैंने डिवाइड कर दिया, दो बन गए यहाँ पे। और इसके पत्ते कीड़ों ने खा लिया था, गार्डन में बहुत सारे झाड़ हो रहे थे तो पता नहीं चल रहा था, तो पत्ते पूरे कीड़ों ने खा दिया है, तो अब इसको यहाँ पर रख दिया है तो अच्छे से ग्रो हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जो पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।